So hello everyone, I am Deepak Bhardwaj, certified master trainer, nutritionist and a senior lecturer of fitness science. आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कॉमन है और शायद मैक्सिमम परसेंट जो जिम्स में जाते हैं क्लाइंट्स उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, वो सही तरीके से इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो आज हम जो बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं ट्रू मीनिंग ऑफ फिटनेस साइंस. जैसा कि आज हम बात कर रहे थे ट्रू मीनिंग ऑफ फिटनेस का, इसकी तरफ जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है आज की डेट में जिम्स में. तो जब आप देखोगे जिम्स में हर कोई सिर्फ एक ही मोटो के ऊपर वर्क कर रहा है, एक ही एम के ऊपर वर्क कर रहा है, वो क्या है, जस्ट लिफ्ट हैवी वेट्स, जस्ट लिफ्ट हैवी वेट्स हर कोई. और दूसरा मोटो क्या है कि हर किसी को सिक्स पैक एब्स चाहिए. हर कोई इन्हीं दो मोटो को, इन्हीं दो एम्स को अचीव करना चाहता है. लेकिन क्या ये सही है? क्या फिटनेस का मीनिंग यही है? अब फिटनेस क्या है? अब मान के चलो अगर एक मैराथन रनर की मैं अगर बात करूं, अगर वो वेट को लिफ्ट ना करें क्या आप उसको फिट बोलोगे? अगर मैं एक पावर लिफ्टर की बात करता हूं तो वो रनिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं तो क्या आप उसको फिट बोलोगे? नहीं, हम उनको फिट नहीं बोल सकते हैं. तो ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम एक इंडिविजुअल को फिट बना सकते हैं, उसको फिटनेस दे सकते हैं? तो इन सभी चीज़ों के पीछे फाइव कॉम्पोनेंट्स आते हैं बेसिकली. क्या क्या? बॉडी के अंदर हार्ट एंड लंग्स को वर्क करना ज़रूरी है, मसल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मसल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आइडल बॉडी कंपोजिशन होना चाहिए. आइडल बॉडी कंपोजिशन मीन्स फैट परसेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और थर्ड होता है आपका मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस, मीन्स आपकी मांसपेशियों में, आपकी मसल्स में आपके वेट को काफ़ी देर तक बियर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. अगर ये फाइव कॉम्पोनेंट्स आप अचीव कर लेते हो जभी आप एक फिट इंडिविजुअल कहलाते हो. क्यों? कल को अगर आपको रनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सडन अगर आपको इमरजेंसी में रनिंग करनी पड़े तो आप रनिंग भी कर सकते हो. अगर आपको वेट लिफ्ट करने की जरूरत पड़े तो आप वेट भी लिफ्ट कर सकते हो. और आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है और जो आपके मूवमेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आपको मूवमेंट करने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है. अगर आपके पास मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस है तो आप एक तरीके से किसी एक सिचुएशन पर, हो सकता है आप बहुत बारी किसी एक जगह पर आपको खड़े रहना पड़ जाए, 1 आवर 2 आवर, ये मैक्सिमम आज के जब ट्रैवलिंग करते हैं मेट्रो की ही हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मेट्रो का. मेट्रो में क्या होता है, लोग 1 आवर का ट्रैवल कर लेंगे, 1 आवर का ट्रैवल करते करते अगर उनको सीट नहीं मिलती है तो वो थक जाते हैं. तो भले ही वो जिम्स के अंदर जाके हैवी वेट उठा रहे हैं लेकिन उनका लाइफ स्टाइल है, क्या वो अच्छे से जी पा रहे हैं अपनी लाइफ को? क्या अच्छे से जी पा रहे हैं? वो नहीं जी पा रहे हैं, राइट? तो फिटनेस का क्या मीनिंग है? हम अपनी लाइफ के डेली टास्क बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, ये है फिटनेस का मीनिंग. और जिम्स में अगर मैं देखूं तो फिटनेस का मीनिंग क्या हो गया है आज के डेट में कि सबको सिक्स पैक एब्स चाहिए, उसके साथ साथ सबको सिर्फ हैवी वेट्स उठाने. लेकिन कोई भी अगर मैं बात करूं तो फिटनेस के ऊपर कोई भी फोकस नहीं है. तो फिटनेस अगर आपको चाहिए तो आपको फाइव कॉम्पोनेंट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. कौन कौन से? मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर आइडल बॉडी कंपोजिशन. एक मेल में जो आइडल बॉडी कंपोजिशन होता है, जो फैट परसेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 5% to 15%. और वहीं पर अगर मैं एक फीमेल की बात करता हूँ तो फैट परसेंट कितना होना चाहिए? 8% to 20%. ये डिफरेंस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. क्योंकि जो फीमेल्स का बेसिक हॉर्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है, जो कि बेसिकली थोड़ा सा वाटर होल्ड कराता है. एंड थोड़ा सा फैट अगर मैं स्टोरेज की बात करता हूँ तो वहाँ पर वो हॉर्मोन ज़्यादा करवाता है. लेकिन वहीं पर मैं मेल्स की बात करता हूँ, एस्ट्रोजन बहुत ही लो होता है. तो इसीलिए अगर आपको कभी भी फिटनेस को अचीव करना है तो आप सिर्फ दो एम पर, दो गोल पर वर्क मत कीजिए. आपको वर्क फाइव गोल्स के ऊपर करना है. कौन कौन से? तो फर्स्ट वन है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, सेकेंड वन है आपका मस्कुलोस्केलेटल एंड्योरेंस,
थर्ड वन है मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिफ्थ है आइडल बॉडी कंपोजिशन। अगर आपको फिटनेस को अचीव करना है तो आपके पास मसल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, मस्कुलर एंड्योरेंस भी होनी चाहिए और कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी होनी चाहिए, मीन्स आपके हर्ट एंड लंग्स की भी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके मसल्स फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए ताकि आपकी मूवमेंट अच्छी हो सके, आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ सके और आप मूवमेंट को बिना किसी डिफिकल्टी के आप प्रॉपर वे में आप कंप्लीट कर सको। उसके साथ आइडल बॉडी कंपोजिशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फैट परसेंट कम रहना चाहिए, मेल्स में 5 to 15 रहना चाहिए, फीमेल्स में 8 to 20% रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है आपका फैट परसेंट तो आप ओबीज कहलाते हो, फैटी कहलाते हो और वो कहीं ना कहीं आपकी आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जितना आपके बॉडी में फैट होगा वो रेंज ऑफ मोशन को ड्रॉप कर देगा और आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को टारगेट नहीं कर पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी अचीव नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली आपको वर्क किन पे करना होगा, इन्हीं 5 कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग सिक्स पैक एब्स एंड लिफ्टिंग हैवी वेट्स, राइट। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल डन फॉर टुडे, थैंक यू।